सिद्धांत को आर्किमिडीज ने दिया था, इसीलिए इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, ठीक ना, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी महसूस होती है। अब एक ईटा है, अगर तुम ऐसे हवा में लोगी और पानी में लोगी, तो पानी में जब हाथ डाल के देखोगी तो ईटा तुमको क्या होगा, हल्का प्रतीत होगा, तो उसके भार में क्या होती है, कमी महसूस होती है। फिर से ध्यान से सुनो, जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में, किसी भी द्रव्य में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी महसूस होती है, और यह कम उस वस्तु द्वारा विस्थापित या हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। जब वस्तु द्रव्य में जाएगी या पानी में ही जा रही है तो क्या करेगी, पानी को हटाएगी ना। हम यहाँ खड़े हैं तो हवा को हटा के ही ना खड़े हैं, मेरे साथ साथ हवा नहीं खड़ी है, अगल बगल है। तो कोई वस्तु जब द्रव्य में जाएगी तो क्या करेगी, विस्थापित करेगी पानी को। तो जितना पानी वो हटाएगी उस पानी का भार उसके किसके बराबर रहेगा, जो भार में कमी महसूस हो रही है उसके बराबर होगा। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब हम आर्किमिडीज को जान लेते हैं, ठीक ना। आर्किमिडीज जो थे वो यूनान के एक वैज्ञानिक थे। तो हुआ क्या कि एक राजा थे, उनका नाम यूरोन था। उन्होंने जो है एक सोनार को दिया, सोना, शुद्ध सोना दिया, और उनको अपने भगवान के लिए एक मुकुट बनाना था। सोनार को उन्होंने सोना दिया और कहा कि इसका एक खूबसूरत मुकुट बना दे। सोनार ने बड़ा सुंदर मुकुट बनाया, राजा को बहुत पसंद आया, लेकिन राजा को डाउट था कि इसमें मिलावट है। इसमें क्या है, मिलावट है। लेकिन मुकुट बहुत खूबसूरत था और उसको तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने संदेह को दूर करने के लिए वो क्या चाहते थे, उसकी जांच भी कराना चाहते थे। तो आर्किमिडीज क्योंकि वैज्ञानिक थे, उनके पास हो गए और कहे कि पता करो कि ये शुद्ध सोना है कि नहीं, नहीं, हमने उसको एकदम शुद्ध सोना दिया था, इसमें लग रहा है कि मिलावट है। तो आर्किमिडीज परेशान, कई दिन तक परेशान, कैसे करें बिना मुकुट को तोड़े, मुकुट को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। आर्किमिडीज क्या हुए, परेशान हो गए। परेशान होते होते कि वो टब में नहा रहे थे, टब पूरा लबालब पानी से भरा हुआ था। वो टब में गए और जैसे वो गए तो एक तो उनको भार में कमी महसूस हुई और दूसरे कुछ पानी नीचे गिर गया। अब उनको वही बात पकड़ में आ गई, ठीक ना, और वो क्या किए, जैसे थे वैसे ही दौड़ने लगे, यूरेका यूरेका चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका। अब यूनान में उस भाषा का, ग्रीस में उस भाषा का अर्थ होता था मिल गया मिल गया, और भाग के कहाँ गए, राजा के पास। सब लोग कहें कि पागल हो गए, कोई नंगा जाके चिल्लाएगा यूरेका यूरेका, तो मतलब मिल गया मिल गया। तब वो राजा को बताया कि जो मुकुट था उसको पानी में डुबाया गया और जितना द्रव्य गिरा, जितना पानी गिरा उसको तोड़ लिया गया, ठीक। फिर उतने ही वजन का, जैसे आधा किलो का मुकुट था, एक बात बता रहे, मान लो कि आधा किलो का मुकुट था, उतने ही वजन का शुद्ध सोना लाया गया, उसको भी पानी में डुबाया गया, जितना द्रव्य गिरा उसको नापा गया। दोनों बराबर होना चाहिए था लेकिन बराबर नहीं हुआ, नहीं हुआ। और इससे आर्किमिडीज ने यह सिद्ध कर दिया कि इस सोने के मुकुट में मिलावट है, मिलावट है, सोना शुद्ध नहीं है। तो यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत।